हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रेफर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो वर्ड हमारा है, जो वर्ब है प्रेफर, उसके बारे में देखो। प्रेफर से हम जनरली दो चीजों को कंपेयर करते हैं। जैसा कि हम मान लीजिए ऐसा कहना चाहें कि टी से कॉफी मैं प्रेफर करता हूं, तो मैं सेंटेंस में कहूंगा आई प्रेफर टी टू कॉफी या कॉफी टू टी। अगर आप कॉफी को ज्यादा पसंद करते हैं तो आप लिख सकते हैं आई प्रेफर कॉफी टू टी। अब इसके ग्रामेटिकल एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। ग्रामेटिकल क्या होना चाहिए? प्रेफर के साथ देन का यूज नहीं होता है दोस्तों, टू का यूज होता है। हम जनरली बोलने में ओवर का यूज भी करते हैं, पर ग्रामेटिकल करेक्ट क्या है? टू का यूज करें। जैसे मान लो मुझे कहना है कि मैं स्विमिंग से डांसिंग को प्रेफर करता हूं, तो मैं क्या कहूंगा? आई प्रेफर डांसिंग टू स्विमिंग, यानी स्विमिंग को ज्यादा पसंद करता हूं इंस्टीड ऑफ, सॉरी, डांसिंग को ज्यादा प्रेफर करता हूं इंस्टीड ऑफ स्विमिंग। तो भैया प्रेफर के साथ पहली बात टू का यूज करेंगे, देन और ओवर का यूज नहीं करेंगे, ठीक है? आई प्रेफर म्यूजिक टू मूवीज, ठीक है, यानी म्यूजिक को प्रेफर करता हूं मूवीज के मुकाबले में। अब यहां एक एक्सेप्शन आ जाता है, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है हमको। देखो, पहले सेंटेंस में हमने कहा था आई प्रेफर टी टू कॉफी, यानी टी और कॉफी में कंपेरिजन है, ये दोनों ही नाउन है। दूसरी बार हमने कहा आई प्रेफर डांसिंग टू स्विमिंग, यहां पर डांसिंग और स्विमिंग में कंपैरिजन है, दोनों ही जेरेंड है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, डांसिंग स्विमिंग। लेकिन अगर मैं दो इन्फिनिटिव को कंपेयर करना चाहूं, यानी कि आई प्रेफर टू स्टडी, अब हमको जब कंपैरिजन करना है तो भैया टू नहीं आएगा बल्कि रेदर देन आएगा। तो हमको कहना चाहिए आई प्रेफर टू स्टडी रेदर देन गो टू प्ले, यानी खेलने जाने से बेहतर मैं प्रेफर करता हूं पढ़ाई करना। तो जब हमने इन्फिनिटिव यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी टू स्टडी और टू गो में कंपैरिजन किया है, तो दोस्तों हमने बीच में यूज किया रेदर देन का। तो आई प्रेफर टू स्टडी रेदर देन गो, है ना, गो आउट टू प्ले। तो ये ध्यान रखना, प्रेफर के साथ टू का यूज होता है, देन का यूज बिल्कुल नहीं होता है जब कंपैरिजन दो नाउन में या दो इन्फिनिटिव, दो जेरेंड में हो। लेकिन दो इन्फिनिटिव यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कंपेयर करोगे तो रेदर देन लगाओगे। आई प्रेफर टू स्टडी रेदर देन गो आउट। ठीक है भैया, थैंक यू।